किसान भाइयों कैसे हैं आप। मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में आपको मिर्ची की सबसे बेहतरीन किस्मों के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काशी अर्ली वेराइटी के बारे में। और आपको बता दें कि नाम में ही लिखा है अर्ली, यानी कि नाम के अनुरूप ही मिर्ची की ये किस्म लगभग 45 दिन में तोड़ने लायक हो जाती है, जबकि दूसरी संकर किस्म की 55 से 60 दिन लग जाते हैं। और फलों की तुड़ाई का एक सप्ताह के अंतराल पर ही की जा सकती है और 10 से 12 बार तुड़ाई की जा सकती है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन 300 से 350 क्विंटल तक होता है, यानी कि हरी मिर्ची के लिए सबसे बेहतरीन किस्म को ये माना जाता है। दूसरी वैरायटी के बारे में बात करें, वो है तेजस्विनी। आपको बता दें कि इस किस्म की मिर्ची की फलियां मध्यम आकार की होती हैं और लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। और फसल 75 दिन में पहली बार तोड़ने लायक हो जाती है और हरे फल का उत्पादन औसतन 200 से 250 क्विंटल तक होता है। फिर बात करेंगे काशी तेज यानी कि CCH4 के बारे में, जो कि F1 हाइब्रिड वैरायटी है। आपको बता दें कि मिर्च की इस किस्म की खेती किसान सूखे और हरे दोनों के लिए करते हैं और ये बहुत जल्दी लगभग 35 से 40 दिन में ही तोड़ने लायक हो जाती है। और स्वाद में ये बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है और फसल सड़न रोग से लड़ने की क्षमता इसमें होती है। और एक हेक्टेयर में उत्पादन बड़े आराम से लगभग 135 से 140 क्विंटल तक हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं पंजाब लाल के बारे में। आपको बता दें कि गहरी पत्तियां वाले इस किस्म की मिर्ची आकार में बौना और रंग में लाल होती है। फसल पकने में लगभग 120 से 180 दिन लग जाते हैं और प्रति हेक्टेयर 110 से 120 क्विंटल मिर्ची की पैदावार होती है और सूखने पे 9 से 10 क्विंटल तक हो जाती है। फिर हम लोग आखिरी पे जो बात करेंगे वो है जहावार मिर्ची 148। और आपको बता दें कि यह किस्म जल्दी पक जाती है, जो कि कम तीखी मिर्ची होती है, रोग का प्रकोप कम होता है और हरी मिर्ची लगभग 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है, तो वहीं लाल लगभग 120 से 125 दिन में करीब तैयार हो जाती है। और इसमें प्रति हेक्टेयर लगभग 85 से 100 क्विंटल हरी और लगभग 18 से 23 क्विंटल सूखी मिर्च प्राप्त हो जाती है। तो ये है मिर्च की वो 5 सबसे बेहतरीन किस्म जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। तो ऐसे मेरी वीडियो बने रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।